रोहतक शहर से सटे बोहर गांव में बुधवार सुबह 6 बजे के करीब अज्ञात हमलावरों ने 50 वर्षीय सुरेंद्र व उसकी 13 साल की बेटी निकिता की गोली मारकर हत्या कर दी। बुजुर्ग महिला बाल बाल बच गई। सुरेंद्र का पिता पत्नी से तलाक का केस चल रहा है। पुलिस पारिवारिक विवाद के साथ साथ पुरानी रंजिश से जोड़कर वारदात की जांच पड़ताल कर रही है। मृतक सुरेंद्र के भाई अजीत ने पुलिस को शिकायत दी, जिसमें आरोप लगाया कि उसके भाई सुरेंद्र व निकिता की हत्या सुरेंद्र की पत्नी रितु व उसके सालों ने की है, क्योंकि 4 से 5 साल से रितु व सुरेंद्र में अनबन थी और कोर्ट में केस भी था, इसलिए रितु का भी अपने पति व बेटी की हत्या में हाथ है, जिसके आधार पर पुलिस ने रितु व उसके भाइयों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक सुरेंद्र परिवार सहित रह रहा था, साथ ही खेतीबाड़ी का कार्य करता था। बताया जा रहा है कि सुबह 6 बजे वह उठकर भैंस को चारा डाल रहा था ताकि थोड़ी देर बाद दूध निकाल सके। इसी बीच किसी ने उसे घर के अंदर घुसकर 3 गोली मार दी। उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी बेटी निकिता कमरे के अंदर बेड पर सो रही थी, उसको भी गोली मार दी गई। घर में मौजूद निकिता की दादी बुजुर्ग है, उसे कम सुनाई देता है, वह कुछ सुन नहीं सकी। गोलियों का शोर सुनकर पड़ोस के लोग पहुंचे। हमलावर मौके से फरार हो चुके थे। सूचना पाकर अर्बन एस्टेट थाने से पुलिस व एफएसएल एक्सपर्ट डॉक्टर सरोज दहिया मौके पर पहुंची, शवों को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल की। वारदात की गहराई से पड़ताल कर रहे हैं। वारदात के पीछे पुरानी रंजिश या पारिवारिक विवाद भी हो सकता है, क्योंकि सुरेंद्र का पत्नी से तलाक का केस चल रहा है। अभी स्पष्ट तौर पर कुछ कहना जल्दबाजी होगी। इंस्पेक्टर दिलबाग सिंह, प्रभारी थाना अर्बन एस्टेट। जी हाँ, सुबह 6 बजे के आसपास सूचना आई थी कि यहाँ पर मर्डर हुए हैं, तो पुलिस CIA टीम इमीडिएटली पहुंची है। तो पाया गया है कि यहाँ पर एक व्यक्ति जिनका नाम सुरेंद्र है, लगभग 50 साल की उम्र है, और उनकी बेटी निकिता जो 14-15 साल की है, उनका मर्डर हुआ है। फायर मामले शुरू हुए हैं। निकिता के 3 गोली लगी और सुरेंद्र के 2 गोली लगी, तो उसी के संदर्भ में हमने टीम बना दी है। और अभी तक की है कि निकिता के फादर का और उनकी माँ का एक पारिवारिक विवाद चल रहा है, और 3 दिन पहले इनकी कोर्ट में डेट लगी थी, वहाँ इनका कुछ आपस में झगड़ा भी हुआ। एक वो एंगल भी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, इसके अलावा बाकी एंगल जैसे कुछ रॉबरी वगैरह का वो भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, पर रॉबरी का अभी तक कोई एंगल आया नहीं है, क्योंकि कोई भी छीना झपटी या कोई भी इसमें तोड़फोड़ नहीं हुई है। प्लांड मर्डर है, जो 3 व्यक्ति बाइक पर आए उन्होंने मर्डर करके तुरंत चले गए, तो पारिवारिक रंजिश लग रही है और सी तक पुलिस अभी कर रही है। हाँ, फुटेज हमने DVR वगैरह कलेक्ट किया, अभी उसमें क्या फुटेज मिलती है उसके बाद फिर बता। मौके पे कुछ हमें वेपन तो नहीं मिला है, वेपन लेके भागे, लेकिन जो हमें फुटप्रिंट्स वगैरह कुछ खून के डब्बे हैं वो सब मिले हैं, और उसी के तहत कार्रवाई की।